जनसंख्या पे बिल आएगा, अवश्य आएगा, किसी की ताकत नहीं इसको रोकने। अगर इस मुल्क के अंदर गरीबी को ख़त्म करना है तो, अगर इस देश के अंदर युवाओं को एक नई सोच पे लेके जाना है तो, जनसंख्या का बिल लाना सबसे बड़ी एक कामयाबी होगी हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, विकास के लिए। यह हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है। और वादा करता हूँ आपके चैनल से, कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। आज मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ योगी जी की उस जनसंख्या का जो बिल ला रहे हैं, मैं समर्थन करता हूँ। मैं पहले से बोल चुका हूँ, यह हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है। यहाँ सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कानून एक होना चाहिए, संविधान एक, कानून एक। ये नहीं कि योगी जी कानून बना दें और मध्य प्रदेश में दूसरा चले, पंजाब में। कानून एक हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दो बच्चे या तीन बच्चे, जो सरकार का कानून हो। अगर इस देश को आतंकवाद से मुक्त करना है तो, अगर इस देश को कोरोना जैसी बीमारी से एक जंग की तरह लड़ना है तो, अगर इस मुल्क के अंदर गरीबी को ख़त्म करना है तो, अगर इस देश के अंदर युवाओं को एक नई सोच पे लेके जाना है तो, जनसंख्या का बिल लाना सबसे बड़ी एक कामयाबी होगी हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, विकास के लिए। इनको तकलीफ़ ये है कि इनकी ज़मीन नीचे जाती जा रही है, इनका वोट बैंक ख़त्म हो रहा है, इसलिए ये लोग कहते हैं जनसंख्या पे बिल नहीं आना चाहिए। जनसंख्या पे बिल आएगा, अवश्य आएगा, किसी की ताकत नहीं इसको रोक ले। और जिस दिन जनसंख्या का बिल पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू हो जाएगा, मैं दावे से कहता हूँ आतंकवाद ये अभी तो ख़त्म हो चुका है, आतंकवाद का नामो निशान नहीं होगा। और जो युवा पीढ़ी है उसको नया रोज़गार, इस नया भारत, नई तरक्की मिलेगी। बेटा साहब, सबसे बड़ी बात है, जैसे जनसंख्या की बात आती है तो सकीफुल रहमान है वो तो कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह की देन है, ऐसे अल्लाह के कानून से अगर टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। पर भारत के अंदर एक कानून, एक संविधान, एक तिरंगा, एक जनगणमन एक ही होगा, उसमें अलग कानून नहीं होगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अल्लाह से क्या भी, अल्लाह तो हमारे सबका है, ये कुछ भी बोल दें। अगर आज आप देखिए, इतने बड़े स्टेट के सीनियर लीडर अगर अलकायदा का सपोर्ट करते हैं तो आप इन पे क्या उम्मीद कर सकते हैं। इन्होंने तो ये भी कहा था कुछ नेताओं ने, अरे कोरोना तो हमारे पास आता नहीं, कोरोना तो ऐसे आया है मोदी जी ने, ऐसे थोड़ा होता है। इसका मतलब हमारी राजनीतिक लोगों की सोच एक आदर्श की नहीं है, हमारी सोच है सिर्फ कुर्सी सता चाहिए, देश चाहे कहीं भी तबाह हो जाए। बेटा साहब, एक सवाल और खड़ा किया उन्होंने कि अगर जनसंख्या कम हो जाएगी तो अगर बाहर के देशों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम कैसे अपना बचाव करेंगे, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। ये ऐसी की तैसी, ये कहते हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का यूथ, NCC सिविल डिफेंस नरेंद्र मोदी जी ने इतना तैयार कर दिया है, अगर मेरे जैसे व्यक्ति को भी इस उम्र के अंदर शरीर टूटा हुआ बंदूक पकड़ के कहना जाना है सीमाओं की रक्षा करने के लिए, मौत का कफन बांध के जाऊंगा। इजराइल मुल्क है ना, कितना छोटा मुल्क है, कितना छोटा मुल्क है, पूछना चाहता हूँ, छोटा है ना। आज दुनिया कांपती है इजराइल से, इतना सा मुल्क, इतनी सी आबादी, कोई उसके ऊपर हमला कर दे, उसके व्यक्ति पे दुनिया में हमला कर दे, दो दिन के अंदर ठा 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 और इजराइल वापस। आज हिंदुस्तान वो मुल्क बन चुका है, नरेंद्र मोदी जी ने वो मुल्क को मजबूत कर दिया है। आज आतंकवादी आते हैं क्या, 26/11 की घटना करने आते हैं क्या, पार्लियामेंट पे हमला करने अफजल जैसे आते हैं क्या, क्या दिल्ली के अंदर ब्लास्ट होते हैं क्या, पता है। यहाँ एक ही चीज़ मिलेगी जिसका नाम होगा मौत, मौत, मौत। आतंकवादियों को कोई भी आ जाए, वो बोलता कम है करता ज़्यादा है।